मिशा अकेली बेचारी फंस गई उसने दरवाजा ना बंद हो। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर ऑफिस से होंगे जी। ईद का सेकंड डे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से जी सारे तैयार हुए पड़े हैं और आज इनविटेशन है, हमें बुलाया है, दावत है हमारी, सारे तैयार हुए पड़े हैं, सारे कलर के कपड़े पहने, आपको दिखाता हूँ। मेरा जी जामीन ये खड़ा हुआ है, इसने भी वाइट पहने, मैंने भी वाइट पहने, और बाकी के बच्चे किधर हैं? पंखा चल रहा है, मुश्किल ही आवाज़ आ रही होगी। वालेकुम सलाम। वालेकुम, तो बड़े मज़े का दिन है क्योंकि आज हम जा रहे हैं, आज हम दावत पे जा रहे हैं, दावत पे जा रहे हैं, आज हम दावत खाने जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं। इसलिए मज़ेदार लग रहा है। हाँ जी, और शामू ने भी देखे जी, शाम ने भी वाइट कलर के कपड़े पहने, हारिस नहीं नजर आया, और रामीन ने ब्लैक पहने, इसकी मम्मा ने भी ब्लैक ही पहने हुए हैं। ये आ गया जी हमारा हारिस, इसने भी वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। चलें फिर अब हम, ये थोड़ी सी देर है अभी निकलते हैं। रामीन आज तो आप बड़ी प्यारी लग रही हो। रामीन प्यारी बहुत लग रही हो। आ जाए जी, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। इसका तो हाथ मुझे ही पकड़ना पड़ना है, ये रोता ही है कहीं आधा भी हो जाए, ये रोना स्टार्ट हो जाए। इस पे बकरा लटका था, देखना ख्याल करना। मिशा अकेली बेचारी फंस गई, उसने दरवाजे में बंद हो। बस ठीक है, इस तरह ही रहे के लोग लगाने इधर भी। अच्छा जी, दावत खा के यहाँ से वापस आ रहे हैं और देखे रास्ते में मौसम कितना ज़बरदस्त है। यकीन माने कि इतनी ठंडी हवा तो सर्दियों में भी नहीं मिलती जितनी हमें अब लग रही थी। बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, बच्चे देख के आगे बैठे हैं, सारे बच्चों ने वाइट वाइट ही ड्रेस पहने हैं माशाल्लाह। गाइस हम आ गए वहाँ से वापस और आपकी भाभी का हाल देख लें, बेचारी गर्मी से कैसे नढ़ाल हुई पड़ी है। बाबडा वाले यार, अगर कोई वीडियो देख रहा है कोई बाबडा, क्योंकि छोटा बंदा नहीं, कोई बड़ा बंदा, बल्कि असल में बाबडा वालों का भी कसूर नहीं है। उनको ऑर्डर आते हैं ना कि आपने, उनको ऊपर से देखे ना ऑर्डर आते हैं। बाबडा वाले तो खुद एक वो मुलाजिम है और उनको जैसे आगे से ऑर्डर मिलना, उनकी उनको हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है, वो तो मैनेज करने के लिए है सब कुछ। तो अब वापडा वालों को हम नहीं कह सकते फर्ज, वैसे आपस की बात है। बस ये जो लोड शेडिंग होती है ना, तो मैंने एक बात सोची है कि मैं अपने बच्चों को ना वापडा में जॉब दिलवाऊंगी, ताकि वापडा में गर्मी होगा और वहाँ कभी लाइट नहीं जाएगी, सुकून तो रहेगा ना। गर्मी में तो बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। अब लाइट गई है, ईद के दिन भी लाइट गई हुई है, इतनी देर से चार चार घंटे लाइट जा रही है, लाइट ही नहीं आती। अच्छा, अब लाइट जाने की वजह से आप बच्चों को वापडा में, वाह क्या सोच है यार आपकी, अल्लाह करे जब तक इन्होंने बड़े होना है तब तक हमारे पाकिस्तान का निज़ाम बिल्कुल ठीक हो जाए यार। निज़ाम सही नहीं हो रहा, बुरा हो रहा है। बचपन जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने सोचा था कि नेक्स्ट जो है ना अच्छा ही होगा, लेकिन ये देखते ना कि डे बाय डे लोड शेडिंग बढ़ती ही जा रही है। इतनी तो हमारे बचपन में नहीं होती थी जितनी अब होती है, अब हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे फिर पता नहीं क्या होगा। सन 2012 से 14 के बाद टेक्नोलॉजी में कितना इजाफा हुआ, ये मोबाइल स्मार्टफोन आए, कितना कुछ, कितना कितनी चेंजिंग्स होगी ना। तो आने वाले वक्त में भी हो सकता है कुछ ऐसी कुछ सहूलियात हमारे लिए आ जाए कि हमें ये बिजली से बिल्कुल निजात ही मिल जाए, मतलब कि हमें लगे ही ना कि ये कोई बहुत बड़ी कोई चीज है। बिजली के अल्टरनेट्स आए तो हैं, लेकिन हर कोई उसको मतलब नहीं, अफोर्डेबल नहीं है ना, अफोर्डेबल नहीं है। तो बस नेक्स्ट हम यही दुआ करते हैं कुछ ऐसा सिस्टम आए कि हर कोई सुकून से जिंदगी गुजार सके और उसको ये मतलब ना हो कि गर्मी और मतलब बिजली गई हुई है और पसीना पसीना। और यार वैसे ना एक बात और भी, अगर ये बिजली के अल्टरनेट कोई चीजें आई है ना, वो लॉन्ग टाइम के लिए ना, लंबा अरसा हम इसे यूज नहीं कर सकते, उसको एक अरसे के बाद लिमिटेड होती है, एक अरसे के बाद हमें प्लेट्स चेंज करनी पड़ती हैं, बैटरीज चेंज करनी पड़ती हैं, और हाइब्रिड सिस्टम अगर हम लगवाएं ना, मतलब के प्लेट्स प्लस बैटरी प्लस वापडा,
तो उसमें ये है कि हमें एक लिमिट के बाद जाके हमें बैटरीज चेंज करनी पड़ेंगी। अगर हम सिर्फ सोलर प्लेट और वापडा से कनेक्शन करवाते हैं ना, तो वो फिर जब बिजली लोड शेडिंग होती है ना, फिर भी बिजली चली जाएगी। ये सीन होता है बड़ा, इसलिए कुछ ऐसा सिस्टम है, मतलब इतना टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो है ना, कोई ऐसी चीज लेके आए जिससे जिंदगी सुकून से गुजरे। ये गर्मी का तो कोई प्रॉपर हल निकला ना। सही बात है गाइस, हम ना गए दावत पे, खाया पिया खूब है, अब पेट इतने इतने फुल भरे हुए हैं, ऊपर से बिजली है नहीं है, पता नहीं कब से गई है, क्योंकि हम तो काफी देर से गए हुए हैं, पेट इतने इतने फुल, अंदर से हम खुश हैं और बाहर से हमें दुख हो ही जा रहा है बहुत ज्यादा। इतना दुख हो रहा है ना, आप हमारी जगह होते ना, आपने कहना था यार ये क्या, एक साइड से खुशी दूसरी साइड से बहुत ज्यादा दुख। तो भाई हम बेचारा, हमारा काका देखे गर्मी में सो गया। तो गाइस अच्छा, और सुनाएं आपका ईद का दूसरा दिन कैसा गुजर रहा है गाइस, आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। जी बिजली के मारे हम बेचारे इधर आ गए हैं, हमने कहा चलें इधर अब थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करते हैं। चलें, मौसम वैसे अच्छा है, कितना प्यारे बादल हैं। चलें फिर अब इधर आ गए हैं जी हम, देखो इधर भी बिजली होती है कि नहीं, बादल चेक करें। हारिस तो बाबा अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी घूमता फिरता है, हमारे साथ तो रहता ही नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो। किस चीज की? खैर मुबारक तो बोलो। खैर मुबारक, क्योंकि इधर भी बिजली तो है नहीं, यूपीएस भी बंद होने वाला है जी, बिजली बहुत आ रही है, तो अब मुबारक हो। फिर खैर मुबारक। ये भी कह रहा कहता मेरे से भी मुबारकबाद ले लो, खैर मुबारक। फाइनली बिजली आ चुकी है और अब हम करेंगे जी रेस्ट, क्योंकि बड़ा जलील हो गए हम बाप बिजली की वजह से। अब सुकून मिला बिल्कुल जी, अब हम रेस्ट वेस्ट करते हैं। तब तक के लिए गाइस आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब हम जाने लगे हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।